पर आज उत्तराखंड ने एक लैंडमार्क काम किया है इस अवसर पर कि आज उत्तराखंड का जो ग्रामीण हमारा भाग है आज खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ है और इसके लिए जहां आप सब लोग बधाई के पात्र हैं मैं माननीय मंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मैंने आपसे अनुरोध किया। मैंने कहा भाई साहब आप हमको समय दीजिए और मेरे एक अनुरोध पर मैंने 3 बजे के लिए कहा था आपने हमको 11 बजे का समय दिया यानी कि हमसे भी पहले आप 4 घंटे पहले का समय आपने हमको दिया। शायद 3 बजे का समय होता तो इतिहास कुछ और हो जाता। जो माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन हो सकता है कि एक और राज्य कोई ODF घोषित हो जाए तो अगर 3 बजे होता तो उनका 12 बजे हो जाता। हम 5 बजे पे चले जाते हम 4 पर आ गए और इसके लिए मैं आपका पूरे उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहनों भाइयों जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस खुले में शौच से मुक्ति ये केवल इतना नहीं है ये तमाम जो बीमारियां हैं उसका कारण गंदगी होती है और जो हमको दिखाई देता है उसके अलावा उसका जो व्यापक असर है हमारे पानी पर मिट्टी पर जो उसका असर पड़ता है उसको उसका भारी नुकसान मनुष्य को और अन्य जो चराचर हैं उनको भी उठाना होता है और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और मैं तो प्रधानमंत्री जी को जरूर इस अवसर पर बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो जो आए हाथ में कोई काम लेते हैं वो अभियान बन जाता है धीरे धीरे महाअभियान बन जाता है। ये प्रधानमंत्री जी की प्रतिभा प्रधानमंत्री जी की अंतर आत्मा की आवाज और जब अंतर आत्मा से कोई आवाज निकलती है तो निश्चित रूप से उसका कनेक्शन सामने जो उसको सुनता है उसकी आत्मा तक उसका असर होता है ये हम कह सकते हैं और इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बधाई। वास्तव में शुरू में लगता था कि ये जो स्वच्छता है ये कैसे होगा लेकिन आज उसका असर दिखाई देता है और नई पीढ़ी में तो बहुत ज्यादा असर उसका दिखाई देता है नई जनरेशन में। और इसलिए हमारे असवाल जी जब अपना अनुभव सुना रहे थे काफी नाला गांव से काफी उन्होंने सख्त रवैया अपनाया ड्यूटी लगा दी कि कोई खुले में तो नहीं जा रहा। हम सोशल मीडिया पे देखते थे मोदी जी डंडा लेके भगा रहे लोगों को उन्होंने एक्चुअल में किया। और ये जो प्रवृत्ति है ये क्यों उत्तराखंड में है या आपके गांव में ऐसा नहीं है। मैं मंत्री जी को सुना रहा था मैं एक राज्य में था तो ऐसे ही स्वच्छता अभियान पर को लेकर के हम मीटिंग कर रहे थे कार्यकर्ताओं की तो एक सांसद जी बाद में मेरे कान में कहने लगे कि भाई साहब कैसे होगा ये। बोले यहाँ तो लोगों की आदत है कि यहाँ बैठे यहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक जाएंगे। बोले वो लगी रहती कि कितना आगे तक शौच करते करते आगे बढ़ गए। बोले होगा क्या बड़ी मजाक क्यों है। अरे हमने कहा होगा भाई आज जैसे असवाल जी ने करके दिखा दिया आज पूरे देश में पूरे देश में असवाल जी को ताली तो बजा दीजिए एक बार। आज पूरा देश कोई चीज शुरू होती है हम लोग जब कोई परिवर्तन की बात आती है तो सामान्यतः उसमें कई बार नेगेटिविटी सामने आती है लेकिन होता ही है जब कोई हम कोई चीज हम हाथ में लेते हैं तो शुरू में लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाते ही हैं। किसी भी महापुरुष को आप पढ़ लीजिए कि उसने अगर कोई काम शुरू किया तो कभी उसको समर्थन नहीं मिला शुरू में उसका विरोध हुआ है और जब अपनी बात पर डटा रहा तो उसका उसके साथ लोग समर्थन में आया और कुछ लोग विरोधी हो गए। ये 3 स्टेजेज आते हैं और ये होता ही है और इसलिए अगर अपने मन में कुछ करने का जज्बा है और वो ठीक दिशा हमारी है तो उसको कर डालिए पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य में ये 5,90,000 ये जो 2012 का बेसलाइन सर्वे था लगभग ये 5,90,000 ये शौचालय इस बीच में बने हैं। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ हमारे चीफ सेक्रेटरी हम लोग बैठे हुए थे
उन्होंने कहा साहब आप हमको लक्ष्य दीजिए कि शहरों को कब खुले से शौच से मुक्त करना है, आप हमारे लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए, हम वो करके दिखाएंगे। और इसलिए आज इस मंच से मैं इस वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष में ये घोषणा कर रहा हूं कि इस वित्तीय वर्ष में हम उत्तराखंड के जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसको भी खुले में शौच से मुक्त करेंगे।